तो दूसरी तरफ 40,000 फौजी थे। से खास घोड़ा था वो तो खुद महाराणा। देखो गाइस, अजय देवगन सिंघम से आज़ाद हो चुके हैं और अब उनकी आज़ाद फिल्म आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज़ाद फिल्म का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है। काफ़ी सारे फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर टीज़र कैसा है, कौन से चैनल पर आया है, सब कुछ बताऊंगा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आज़ाद फिल्म की बात करें दोस्तों, तो ये जो फिल्म है एक नई एक्शन एडवेंचर फिल्म है। अगर इसकी रिलीज़ की बात करें तो जनवरी 2025 में आने वाली है। टीज़र रिलीज़ किया गया है RSVB के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आपको दोस्तों बता दें कि टीज़र काफ़ी शानदार लग रहा है। फिल्म का टाइटल आज़ाद रखा गया है और जनवरी 26 जनवरी के वीकेंड के आसपास ये फिल्म आ सकती है या फिर उससे पहले। अब बात करते हैं कि आखिर टीज़र कैसा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टीज़र की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से अजय देवगन जबरदस्त हॉर्स राइडिंग करते हुए नजर आते हैं और उनकी हॉर्स राइडिंग जब वो करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इसके अलावा ये जो फिल्म की अगर कहानी की बात करें तो इस टीज़र से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि फिल्म की कहानी जो है दोस्तों वो रेबल्स पर आधारित होने वाली है। यानी ये जो फिल्म है दोस्तों, एक हिसाब से कहा जाए तो जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तब का ये कहानी है जहाँ पर अजय देवगन जो है दोस्तों एक बहुत बड़े कहीं ना कहीं डाकू रहते हैं और उनके पास उनकी पूरी गैंग रहती है और किस तरह से वो अंग्रेज़ों के इस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अमन देवगन जो कि इस मूवी के लीड एक्टर हैं और लीड एक्ट्रेसेस हैं रशद थरानी, उनके बीच की स्टोरी है जहाँ पर रशद थरानी एक रिच फैमिली से आने वाली एक लड़की हैं और अमन देवगन जो है दोस्तों एक पुअर फैमिली के कहीं ना कहीं दोस्तों एक लड़के हैं और उन्हीं दोनों के बीच ये कहानी को फिल्माया गया है कि कैसे जो है दोस्तों एक बीहड़ में रहने वाला लड़का एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी को अपने प्यार में कहीं ना कहीं दोस्तों फंसा लेता है और उसके बाद क्या स्टोरी होती है, क्या उसका प्यार सक्सेसफुल होता है, यानी ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा भी फिल्म में काफ़ी कुछ है, ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस, शानदार बैकग्राउंड स्कोर और कुछ अच्छे डायलॉग्स भी सुनने के लिए आपको मिलने वाले हैं। ओवरऑल दोस्तों टीज़र की अगर हम बात करें तो इसमें हमें बेसिकली ये जो फिल्म है दोस्तों आज़ाद की कहानी, आज़ाद एक घोड़ा रहता है जो कि दोस्तों अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा वफादार रहता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहीं पर ये फिल्म घूमते हुए नजर आएगी। ओवरऑल रशद हडानी, अमन देवगन और अजय देवगन काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। अभी तक इनके कोई भी डायलॉग्स इसमें सुनने के लिए नहीं मिले हैं टीज़र में, लेकिन जो भी टीज़र है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिल्म की ओवरऑल स्टोरी का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। बाकी दोस्तों टीज़र को मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा। बाकी आपको कैसा लगा ये टीज़र और साथ साथ अमन देवगन और रशद हडानी की जोड़ी कैसी लग रही है और क्या आपको लगता है कि अजय देवगन की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म सुपरहिट होगी या नहीं, क्योंकि इस फिल्म को फ़ायदा मिलेगा सिंघम अगेन के जो है ब्लॉकबस्टर होने का। जी हाँ दोस्तों, सिंघम अगेन जो कितनी अच्छी कमाई कर रही है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आज़ाद फिल्म को मिलने वाला है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि अजय देवगन की सिंघम अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और जब उनकी आज़ाद आएगी तो भी ऑडियंस यही एक्सपेक्ट करेगी कि एक अच्छी फिल्म हो और कहीं ना कहीं ऑडियंस का दिल जीत लेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म जो है एक बड़ी सुपरहिट फिल्म बन पाएगी नहीं, और टीज़र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।